ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये दिए हमने जला दिए, अब बस एक एक करके सारे कमरों में इसे रखना है और फिर नीचे आके प्रसाद और भोज शुरू कर देते हैं। चलो बेटा। अभी नीचे चलते हैं, अगर कोई ऊपर आ गया तो बेवजह बातें बनेंगी। पहले आप कुछ खा लीजिए। नायरा, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, मैं बाय चांस ऊपर आई तो मैंने देखा। पापा डॉक्टर के पास चले गया। कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो रही थी तो सोचा कि ऊपर आकर रेस्ट कर लूँ। इतने में प्रियंका जी आ गई बाय चांस और उन्होंने कहा कि ये चॉकलेट खाकर बेटर फील होगा। वो चॉकलेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इसलिए, बट ही इज फाइन नाउ। आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ नायरा, तुम अपने पापा के साथ रुको, हम सब बाकी कमरों में दिए जला देते हैं। चले? हाँ हाँ चलिए चलिए, सब यहाँ बच्चे हैं ना नैतिक जी के साथ, चलिए चलिए। डॉक्टर के पास चलें क्या? हाँ ऑफ कोर्स चलना ही होगा, पर अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही तो डॉक्टर को यहीं बुला लेंगे। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, आई एम ओके। खबर पहुंच गई है भाई। वही तो भाई साहब, जगह जगह से अप्रिसिएशन के मैसेज आ रहे कि चढ़ावा मंदिर में ना चढ़ा के गरीबों में बांटा, बहुत नेक काम किया। हे भगवान, आजकल लोगों का ना तो उम्र का लिहाज रह गया है और ना रिश्तों का। बताइए जरा, इतनी भी क्या बेचैनी रोमांस करने की, जो मेहमानों तक के जान तक का इंतजार नहीं किया गया। लेकिन सुहासिनी जी के घर ये नजारा देखने को मिलेगा, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? कार्तिक की नायरा तो ये उनकी बात नहीं कर रहे मनीष बेटा। प्लीज जूस पी लीजिए। पापा ये थोड़ा कुछ खा लीजिए प्लीज। नहीं बेटा नहीं चाहिए। फिर भी खा लीजिए, एनर्जी मिलेगी इससे प्लीज। प्रियंका मासी और पापा अक्सर फोन पे बात करते रहते हैं। हमारा मतलब उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? बेटा वो
ऊपर जो पापा, पापा इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत के बारे में सोचिए और कुछ नहीं, आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑलरेडी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है सबको, जरा सी भी बात पड़ी तो नायरा पता नहीं कैसे हैंडल करेगी। आई नो आप क्या सोच रहे हैं पापा, पर मुझे इस बारे में बात करके आपको एम्बैरस नहीं करना है। आई नो बच्चों, तुम लोग बात क्यों नहीं करना चाहते, पर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, बात करके शायद मेरा गिल्ट कम हो जाता। बच्चों की बात और होवे है, पर ये मुन्ना तो, मुन्ना ने कुछ नहीं किया है भाई साहब, हमें गलत फहमी हो रही है। हाँ भाई साहब, नैतिक ने कहा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अंधी हो गई हो दोनों देवरानी जेठानी, तबीयत क्यों खराब हो गई पता ना चला थारे लोगों को। भाई साहब प्लीज, हम बिना वजह तिल का ताड़ बना रहे। हाँ भाई साहब, जब ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। कर रहा है कि दो चार बातें सुना दे इनको आज। हाँ, हमेशा दूसरों पर फप्तियाँ कसती है और अपनी नाक के नीचे ये सब होने दे रही है। तुमने सुना नहीं दीपक तले अंधेरा? कोई अंधेरा अंधेरा नहीं है दीपक तले, और उनके रिश्ते के बारे में हमें सब पता है। ये हमारे परिवार का निजी मामला है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रसाद और उपहार लीजिए, आने के लिए धन्यवाद। क्या कहा आपने उनसे? माफ कीजिए नैतिक जी, लेकिन और क्या करते? अगर अभी ने चुप नहीं कराते ना, तो कल तक पूरे समाज में थू-थू होती आपके और हमारे परिवार की। एक बात की चार बातें बनाती आपके और प्रियंका के रिश्ते के बारे में। ये आपने ठीक नहीं किया। तो और क्या करते? बकवास करने देते उन्हें आपके और प्रियंका के बारे में? आपको अंदाजा भी है किस हद तक जा सकते हैं लोग किसी की इज्जत उछालने के लिए? हमने जो किया आपके और आपके परिवार के लिए किया, और आप है कि पापा, दादी क्या हुआ है? अब क्या बताया तुम्हें नायरा, हमें तो कहने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन घर की बात घर में रहे और वो लोग तुम्हारे पापा और प्रियंका का मजाक ना बनाए इसलिए उन्हें चुप कराया और कहा कि इस रिश्ते के बारे में हमें सब कुछ पता है और ये हमारे परिवार का निजी मामला है। अब क्या करें, परिवार की इज्जत ढकनी भी है ना हमें। दादी आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऊपर जो हुआ वो वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। दादी पापा आप ही बोलिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, बताइए ना दादी को। तुम्हारे पापा कुछ नहीं बोलेंगे नायरा। प्रियंका तुम ही बता दो सबको कि सच क्या है। हाँ प्रियंका बताओ हमें, जो कुछ भी हमने सुना क्या सच है वो? पापा दादी प्लीज प्लीज ऐसी ऑकवर्ड बातें मत कीजिए। नायरा तुम्हें हर चीज में हम ही गलत नजर आते हैं, हम तुम्हारा पक्ष ले रहे तुम्हारा साथ दे रहे फिर भी हम गलत। हम उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी, तुम क्या समझाओगी हमें जो हमें पता नहीं है? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हम जानते हैं प्रियंका सच को स्वीकारना कितना मुश्किल होता है। दादी प्लीज हमें नहीं जानना है कोई भी सच और झूठ, प्लीज इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए। मासी आप भी अब कुछ मत कहिए प्लीज। ना बताना से सच छुप जाएगा क्या? कैसे बचकानी बातें करती हो तुम? तुम्हें अजीब लग रहा है क्योंकि बात तुम्हारे पापा की है, हमें भी लगा था प्रियंका भी हमारी बेटी जैसी है, लेकिन सच झूठ के मामले में हम कभी पक्षपात नहीं करते। जो सच है वो बोल के रहेंगे, और हम घर के बड़े हैं
तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए हमें नैतिक जी और प्रियंका के रिश्ते के बारे में बोलने के लिए। दादी प्लीज जाने दीजिए ना। देखिए मेहरा की क्या हालत हो रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल है दादी। हाँ तो हमारे लिए भी था, लेकिन हमने तो सुना ना, और तुमने भी तो सुना था। चलिए सब लोग घर चलते हैं। क्या कहलाता।